हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे हैं कोल्हापुर में न्यू पैलेस में, जहाँ पर कि शाहजी छत्रपति का म्यूजियम है। तो आज हम लोग छुट्टी का दिन है, इसलिए यहाँ पे घूमने आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पैलेस में और म्यूजियम में किस तरीके का व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ें देखने लायक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोगों ने टिकट ले लिया है, आप देख सकते हैं बच्चों का टिकट 20 रुपये लगा और बड़ों का टिकट 40 रुपये लगा है। तो टिकट हम लोग ले लिए हैं और अभी कार से अंदर की तरफ चलेंगे। देखिए, न्यू पैलेस के सामने एक जू है, जहाँ पे प्यारे प्यारे हिरन देखने को मिल जाएंगे। इधर अभी हम लोग इधर न्यू पैलेस के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये बहुत ही भव्य स्टेच्यू देखने को मिल रहा है। आइए करीब से देखते हैं कि ये किसकी स्टेच्यू है। अभी ये न्यू पैलेस के बाहर का परिदृश्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में 4-व्हीलर्स और 2-व्हीलर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब छुट्टी का दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं। इधर जो जू है, वो चिड़ियाघर के किनारे पे भी लोग जानवरों को देख रहे हैं। देखिए आप, बाउंड्री वॉल के पास में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए लोग आते हैं और समय भी जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक घोड़े गाड़ी की सवारी भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। काका कितना लेते हैं एक जन का? चार जन 100 रुपए। ओके, अभी आते हैं अंदर से तब। अंदर आओ, बाद में टिकट लगाएंगे। ठीक है, पैलेस के अंदर जाने का रास्ता। पैलेस की अंदर का जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड का सीन है। कंपाउंड के अंदर लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से घूम रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं भव्य पैलेस। अभी पैलेस के अंदर भी जाएंगे हम, म्यूजियम भी देखेंगे। म्यूजियम जूते और चप्पल पैलेस के बाहर ही लोग निकाल रहे हैं, तो जूते चप्पल पहनकर पैलेस के अंदर जाना मना है। यहाँ अंदर नहीं, बाहर से कर रहा। ये तो पन्हाला का है पूरा नक्शा। यहाँ पे किला पन्हाला गढ़ का पूरा नक्शा बनाया गया है। नमाज मस्जिद कुसाटी बुरुज, वो देखो कुसाटी बुरुज। अभी हम लोग म्यूजियम के अंदर पूरा म्यूजियम को देखे। वहाँ पे बहुत सारे साहू महाराज जी के और अस्त्र शस्त्र और बहुत सारे जानवर, जो कि शिकार किए हुए जानवर, ये सारी चीज़ें अंदर म्यूजियम के अंदर दिखी। उस समय साहू महाराज का पहनावा, वेशभूषा और वस्त्र इत्यादि, ये सारी चीज़ें म्यूजियम में रखी गई हैं। और उस समय के जो कुर्सियाँ थी और सभागृह थे, ये सारा म्यूजियम में देखने को मिला। तो म्यूजियम के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से हम म्यूजियम के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सके। तो अभी म्यूजियम देखने के बाद हम लोग अभी बाहर आए हैं, और बाहर इधर गार्डन के में हम लोग
बैठे हुए हैं। घर से ही हम लोगों ने चटाई ये सब लेके आया था और घर से ही हम लोग लेके आए थे लिट्टी चोखा। तो अभी हम लोग लिट्टी चोखे का नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे और समय बिताएंगे और फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। ये लिट्टी चोखा हम लोगों ने घर पे ही बनाया था और घर से इस लिट्टी चोखा को लेकर आए हैं। देखिए पीहू प्रिशु बड़े चाव से इसको खा रही हैं और अब धीरे धीरे शाम भी हो रही है तो काफ़ी पब्लिक अभी भी गार्डन में हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं और काफ़ी लोग अपने घर के लिए भी निकल चुके हैं। तो कोल्हापुर में दोस्तों अगर आप लोग हैं, कोल्हापुर में कोई पिकनिक स्पॉट पे जाना है तो यह न्यू पैलेस, साहू जी महाराज का जो म्यूजियम है, यह एक काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे आप कम से कम आधा दिन तो बिता ही सकते हैं बड़े आराम से और अगर आपके पास समय है पूरा दिन भी बिताना चाहें तो यहाँ पे पूरा दिन बिताया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और शानदार पिकनिक स्पॉट के साथ और अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।